कमांडो से मिलने आए हैं। रिकवरी करी है यार। ये बच्चा आसी तेरा पता लेना है उधर ले जाना ले जाना हो जाएगा। वो मांस तो पूरा नहीं आएगा ऊपर, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पर वो हीलिंग के बाद इतना प्रोटेक्टिव मांस तो आ ही जाएगा। अगर पेप्सी मारा है पेप्सी का है पेप्सी राम कर बच्चा कर मेरा बच्चा राम बेहोश करना है वो कर दिया। वो तो किया था हमने पहले दिन सब कुछ सही रहा है ना, और एक ही बार जरूरत पड़ी। ये बड़े आराम से कराता है, अग्रेसिव नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट बहुत आराम से। बैश, बैश, बैश। बेटू बस दो मिनट रुक जा। एक मिनट पेप्सो, लगेगी तेरे को है ना बच्चे, किसी का कुछ नहीं जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा किसी का। तेरे को लगनी तो अपने आप को वो करवा रहे मेरे से पूछा। मैं तुम्हें कब से ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि उसका कहाँ पे उसको चोट आई है, जहाँ पे उसके दांत है ना, तो वो कितना एक तो सेंसिटिव पार्ट है उसका, और वहीं पे हमें मसल भी वहीं से करना है उसको ट्रीटमेंट भी उसका वहीं पे कर रहे हैं हम लोग। तो उसको तो प्रॉब्लम आ रही है, साथ में हमें भी काफी प्रॉब्लम आ रही है उसके। अच्छा बच्चे देख पेप्सो, अगर तू ऐसे करेगा ना तो कुछ नहीं हो पाना बच्चा हमारा भी। सॉरी कमांडो, सॉरी बोल रहा वो तुझे, ठीक है सॉरी बोल रहा बच्चा। मैं इसकी पिटाई करूंगी और दोबारा आया है दिमाग खाने तेरा, ठीक है। मेरे आपको लग रही है बच्चे है, लग रही है ना, मेरे को भी डर लग रहा है। देख कहां मैं हाथ डाल रही हूँ, फिर तूने काटी नहीं करनी मेरे को। अच्छा नहीं दीदी, हाँ। अच्छा बच्चा है वो नहीं करेगा हमारा कमांडो। पेप्सो कमांडो यार कंफर्टेबल ही है यहाँ पे। ब्लड सैंपल करवाए, ब्लड टेस्ट करवाए, उसमें भी सब कुछ ओके आया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पेप्सी ठीक है पुत्र, आम मिला देगी ना। आहट को पीछे शिफ्ट करवाना, फिर हम जाएंगे मीरा को शिफ्ट करने हॉस्पिटल ताकि स्पेस बने, और फिर जाएंगे हम नगरोटा। एक और बुल है वहाँ पर जिसको टेस्टिकल्स में इंजरी है। किधर ले जा रहे हो हमारी आहट को? पिछले वाले का चढ़ में। क्यों? जगह नहीं है ना, एक बुल आ रहा है इधर से उधर, उधर से इधर, यही है। यह है मीरा अपनी है? हाँ। इसके जगह पे आहट? हाँ। नहीं नहीं, और ये हॉस्पिटल यहाँ से शुरू करे। हाँ यहाँ से करते हैं, ठीक है। ये जाएगी हॉस्पिटल। हाँ इसके जगह पे यहाँ से भी नहीं, यहाँ से करते हैं शुरू। अच्छा यहाँ से करेंगे। ये आगे वहाँ से ना, वहाँ से आगे, ये आगे इसकी जगह पे, इसकी जगह पे। अब ये जाएगी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पे। और इसकी जगह पे आएगा नया वो वाला बुल जो अभी आने आने वाला है। भाई साहब चले, ये क्रिस्टोफर नोलन की मूवी तो नहीं बना रहे। बाय बाय आहट, देखो बहुत जल्दी ले जाएंगे बेटे। हमारी गाय लेके जा रहे हो? आपकी गाय हम ले जा रहे हैं भाई, बदले में गाय दी ना मैंने। अगर इन्हें जरा सा भी अंदाजा होता कि इनके साथ क्या होने वाला है तो ये इतना हंस ना रहे होते। क्यूट है बाकी गाय? अरे बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। अरे नहीं छेड़ रहा। ओए 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 मीरा, मीरा ओ मीरा, मीरा बदमाश ना बन। चाचा आप भी आ जाओ, वो लड़के ने थोड़ा सा सहलाया ना उसको पैर से, तो डर गई शायद, तो भाग के बाद। वहां से आ जाओ, वहां से पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, दो तीन लोग पकड़ लो। नहीं शांत है वो, थोड़ी सी वो गई, डर गई शायद। हैंडल कर लो यार इसको। अरे क्यूटी नाराज हो गई, तूने हाथ लगाया था। चारी मदद भाई मेरे को परेशान हो। इजी इजी चाचा, आप सीधा ऊपर ही चढ़ा दो। क्या खुद दे मैं अपने ऊपर? नहीं गाड़ी के अंदर यार, बिल्कुल मन नहीं इसका जाने का। देख के एक गाय को चढ़ाने में 6-6 आदमी लग रहे हैं यार। तू नहीं था ना यार, इतनी सिंपल सी गाय बिना सींग की। भाई शांत तो है गाय बाकी। देखिए हाँ चाची, अभी हमने देखी कितनी शांत। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदमी। जोर लगा के दिया जी। फाइनल गाय ने पूरा फॉर्म का टूर किया ना। बोला लास्ट टाइम जाते जाते घूम के जाऊंगी। बाद में उसको पता यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी, यहाँ से वहाँ से बाहर से बाहर ही आउट कर देंगे। वही से रिलीज। जानवर प्यार तो करते इस जगह से। हाँ और करते हैं, तभी तो बार बार जा रही थी। वही तो।
आज बहुत ज्यादा नहीं छूट रही है, यही बाहरी बांध रहा है। हाँ? ओके। चाचा पहुंच गए? हाँ पहुंच गए। काय बैल? हाँ। तो पहले हमने सोचा था कि इसको तार वगैरह से लगी है, लेकिन मेरे को लगता है कि जितने भी हैं ये यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम वाले, इनका सबका जो डॉक्टर वगैरह नसबंदी वगैरह करते हैं ना, उससे जख्म हुए इनको। अच्छा। क्योंकि एक बार तो उन्होंने कर दिया, लेकिन दोबारा उसके बाद तो इनको देखने कोई आया ही नहीं। अच्छा। तीन चार तो हमने आपके पास भेज भी दिया पहले। पहला सीधा डांट से मारेंगे डायरेक्ट? बैल को इंजेक्शन तो मार दिया है, अब बस इंतज़ार है ये बैठ जाए। भाई बैठा तो अच्छा है, रोड पे आया तो थोड़ी टेंशन बढ़ी आई है भैया। गाड़ी रोक लोगे थोड़ी? एक लगी और दो लगी यहाँ पे। ये शायद मैंने दिमाग लाया है भाई। वो चाचा ब्रो फाड़ देगा, मुर्गा हटियो उठा देगा। नहीं मेरे को नहीं लगता सरकारी टंटे ना ले जाए, तू खड़ना ले जाए बस। कोई नहीं, सरकार का थोड़ा सा टूटा तो क्या हुआ, सरकार ने तो करा है ना भाई। पहले हमें पूछेंगे ना लोग, फिर सरकार के कारण ही तो है ना ये, बिना ठाणे गए बात नहीं होगी लोगों की। देखा मैं बोला ना प्यारा बुल आ जाएगा जल्दी हाथ में। चल भाई उठ बैठ हो रहा है, गाड़ी चल रही है ना। मैं खुद यहाँ बाहर हूँ, पूरी गाड़ी लग गई, मैं सोच रहा हूँ ये क्या हो गया गाड़ी को। भाई इसको दो रस्सियाँ उठानी है, एक तो बांध रहे अभी गले में। चल भाई बैल तो फ्रेंडली है काफी। नहीं नहीं अभी तो फ्रेंडली है। अच्छा, पर जब पहले जब रसरा नहीं तो ऐसे कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो वो विक्की की तरह देख रहा था गुस्से में। किसके तरह? विक्की की तरह। विक्की की तरह देख रहा था। मेरे को लगा फ्रेंडली है, आप भी अच्छे से गया, अभी रस्सा भी अच्छे से बांधने दिया डबल। विक्की उसके बाद फ्रेंडली हो जाता है रस्से के बाद। विक्की नाम रखे इसका? हाँ विक्की ठीक है। मार भाई। ओए बच्चों मारने का नहीं, इस रस्से हल्के हल्के थोड़े छड़ दे इसे तार दे, मतलब मेरे को मरवाने का पूरा प्रबंध कर रखा है। नीचे कर दे, दिल्ली कर दे, जा सकते हैं आप। ओ ओ ओ, आगे की जगह है रास्ते जाने का, देखो दिख रहा है। सब वो नया नया है ना, उसको नहीं पता ना कहाँ जाना है, कौन सी इंजेक्शन है। सर ये बस बस बच्चा बस बच्चा बस बोले मैगेट है सर, दिख नहीं रहे पर आई हैव मैक्सिमली गॉज फिर भी डालूंगा। अच्छा ये भी नॉर्मल वुड है ना सर, ज़्यादा डीप तो नहीं है ना। का मतलब क्या समझ? नहीं पिल्लो सुपरफिशियल है। बच्चू दो मिनट रुक जा यार, पेन में होगा ना सर बहुत ये। हाँ जी कुल्लू, तभी तड़प रहा है ना जी कुल्लू। बस बैठो भाई, इंजेक्शन तेरे अच्छे लग रही यार। लगाया ही नहीं मैंने अभी तक। बस 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 हो गया, लग गई। मैं लगा रहा इंजेक्शन को गंदे लड़के को, वो भी क्या करेगा सर बेचारा, पेन में होगा ना। जितने शराफत के गुणगान तेरे हमने सुने थे उतना शरीफ तो निकला नहीं। नहीं सर, जब हमला है तो काफी अच्छे से आया, मतलब ना बहुत शांति से आया। राजकुमार का अपडेट लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे, एक तो बारिश हो रही है ऊपर से बीच बीच में कुत्ते भौंक पड़ते हैं। खैर राजकुमार के लिए फाइनली एक गुड न्यूज़ है, बेचारे की लाइफ में शुरू से बैड ही रही है न्यूज़, क्योंकि भाई पहले तो मांस अलग करके छोड़ दिया किसी ने इसको, फिर एक्सीडेंट में इसकी टांग हमें काटनी पड़ी बचाने के लिए इसको, फिर इसके जो मस्से हो गए हैं ये ठीक नहीं हो रहे, फैल रहे हैं बल्कि। लेकिन इसकी आंखों से ना एक डिस्चार्ज आ रहा था, बारी बारी पानी निकलता रहता था, तो पालमपुर में फाइनली डायग्नोज हुआ कि इसकी आँख और नाक की कोई पाइप होती है वो जुड़ी हुई थी, वो उन्होंने खोल दी है, तो होपफुली वो डिस्चार्ज अब ठीक हो जाना चाहिए, पहले से तो कम हो गया है। एक चीज़ इसकी लाइफ में जो अच्छी चल रही है ना, इसकी लाइफ में अच्छी है वैसे अच्छी नहीं है कि इसकी दोस्ती यारी हो गई है यहाँ पर। अब जैसे पिट पिट है ये जो नीला जूता पहन के सारा दिन फिरता है, श्रीलू है वैसे तो इसका जो है पीछे हिप जॉइंट में वो है प्रॉब्लम, चूला कहते हैं कूला सॉरी। तो जब ये बाहर आती है भाई केले रस के चक्कर में तो इसकी राजकुमार से अच्छी बनती है।
He loves playing. और आजकल तो मेरे से बहुत प्यार आ रहा है इसको. राजा लव विक्की. पंजाब में जिम चलाने वाले भुवनेश ने जब दो बकरियों को आपस में खेलते देखा तो उनका रिएक्शन थोड़ा फर्क था. दुकान के बाहर बांधे हुए थे तो मुझे देख के लगा कि यार आपस में खेल रहे थे जैसे वो, तो मुझे लगा कि यार देखो कितने मतलब इनमें दिल है. तो वो जो उनकी स्माइल थी, वो खेल रहे थे आपस में, वो चीज़ मैंने ट्रिगर करी बेसिकली. तो उसकी वजह से अभी मुझे ऑलमोस्ट 5 ईयर्स हो चुके हैं तो मैं आई एम नॉट नॉन वीगन वेजिटेरियन. हाँ जी हाँ जी हाँ. 2018 में हुआ. नहीं, उससे पहले तो ये था मतलब ना तो शिवरात्रि देखनी, ना देखना मंगलवार, ना देखना शनिवार, ना देखना नवरात्रि. रोज़ खाना मैंने, फैमिली से छिपके खाना, छत पे जाए खाना. तो मदर मेरे बोलते थे कि यार छोड़ दे बस करे, तो दिन भर देख लिया कर. बट मैंने कहा कुछ नहीं होता होता, आप ना खो मैं मुझे क्या है ना. बट उस पार्क अंदर से आना चाहिए. तो वो इंसिडेंट था जब बच्चे खेल रहे थे आपस में. तो मैं देख रहा हूँ डॉग्स को इतना ट्रीट करते हैं अच्छी तरह से, व्हाई नॉट देम. तो आप जैसे जिम शिम करते हो, आप तो जिम चलाते हो अपना. हाँ जी. तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. नॉन वेज ये कहते हैं ना, नॉन वेज खाने से बॉडी बनती है, ऐसा कुछ नहीं है. अभी मैं 80 kg की बेंच प्रेस मार लेता हूँ, 80-100. वीगन रहने से बल्कि ज़्यादा एनर्जी फील होती है मुझे, क्योंकि थोड़ी एक्टिवनेस लगती है मुझे, बॉडी लाइट फील होती है. ठीक है, नॉन वेजिटेरियन से खाने से ये था कि बस ठीक है, मेंटली सेटिस्फाई होता था बंदा. अच्छा नॉन वेजिटेरियन खाया है, मांस खाया है तो मांस बन जाएगा, पर ऐसा कुछ है नहीं है. मिथ्स है, गिमिक्स है, कुछ नहीं हो. और आप कराते हो? मैं योगा ट्रेनर हूँ. तो आप भी थोड़ा वेजिटेरियनिज्म को करते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है नॉन वेज. मैं जब ये कहते कि आप कैसे खा लेते थे, कहते अब बट अभी इनको भी होता है कि नहीं. मुझे लगता है कि नॉन वेज खाने से ना नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स वगैरह होते हैं. उनकी स्माइल से पता लग रहा है बचपन से वेजिटेरियन है. हम लोग बाद में कन्वर्ट हुए हैं तो हम कम हंसते हैं. नहीं बट एक्चुअली में इट वर्क्स. हाँ, बींग वीगन इट गिव्स यू किक.